हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेट एक्सटेंशन फॉर FYJC एडमिशन, और साथ ही साथ मैं आपके ये बताऊंगा कि जो पार्ट वन और पार्ट टू का फॉर्म जो बच्चों ने फिलअप नहीं किया हुआ है, क्या वो अभी फिल कर सकते हैं? क्या अभी ऐसा आया है ऑप्शन कि हमें फॉर्म फिल करने मिलेगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है। चलिए फिर देख लेते हैं हम आज का डेट, यानी कि आज 4 सितंबर है। तो आज FYJC एडमिशन राउंड टू, रेगुलर राउंड टू का सर्कुलर यानी कि लिस्ट निकलने वाला है और बच्चों लोग को कॉलेज अलॉटमेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको एक सर्कुलर दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिस में 26 अगस्त, ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया, उसके बाद और कुछ नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो कि अनाउंसमेंट यहाँ पे चल रहा है कि एडमिशन कंफर्म बाय द September 4, 2020 बिफोर 5 PM, ठीक है। तो जिनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जिनका लिस्ट में नाम आ गया था रेगुलर राउंड वन में, तो वो अपना 5 बजे तक अपना कंफर्म कर सकते हैं अपना एडमिशन। ठीक है, एडमिशन शेड्यूल में आना है आपको 3 सितंबर, यानी कि कल एक सर्कुलर जारी किया गया था रेगुलर राउंड टू के लिए। तो चलिए वो देख लेते हैं हम, उसको मैं क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें इस सर्कुलर में रेगुलर राउंड के बारे में क्या क्या बताया गया है, और उन बच्चों लोग के लिए जिन बच्चों ने पार्ट वन पार्ट टू का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 सितंबर 2020 10 PM, ठीक है, यहाँ पे PM दिया गया है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट फॉर द रेगुलर राउंड टू, एडमिशन राउंड टू, ठीक है, इंक्लूडिंग कोटा सीट सरेंडर्ड बाय जूनियर कॉलेज। तो यहाँ पे रात के 10 बजे की बात किया गया है कि क्योंकि 5 बजे तक तो आपका रेगुलर राउंड वन का एडमिशन चलता रहेगा, और उसके बाद आपको वैकेंसी दी जाएगी सेकेंड लिस्ट, यानी कि जो सेकेंड राउंड का है उसकी लिस्ट लगेगी, डिस्प्ले करने बोला हुआ है यहाँ पे। सेकेंड यानी कि परसों, यानी कि 5 सितंबर 2020 यहाँ पे 12 बजे AM, ठीक है, और से लेके 7 तारीख जो है 7 सितंबर 6 बजे तक चॉइस फिलिंग ऑप्शन फॉर्म, दैट इज मीन पार्ट टू फॉर द रेगुलर राउंड विल स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग बोला हुआ है, मतलब ये फिल किया जाएगा आपका ऑप्शनल फॉर्म। इसके अंदर आप अपडेट कर सकते हो पार्ट टू फॉर्म को, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो, कॉलेज की प्रेफरेंस ये अपडेट कर सकते हो। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट वन पार्ट टू अभी सबमिट नहीं किया, वो सबमिट कर सकते हैं। याद रखिए, पार्ट वन पार्ट टू जिन्होंने सबमिट नहीं किया वो सबमिट कर सकते हैं। क्लास, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास टाइम है फिलअप करने के लिए, फटाफट फिल कर दीजिए। सेकेंड यहाँ पे दिया गया, अगर ग्रीवेंस कोई भी चेंजेस करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कोटा में है तो अभी भी अप्लाई कर सकते हो, या कोई कोटा में है तो भी अप्लाई कर सकते हो। पार्ट वन वेरीफिकेशन एंड पार्ट टू विल बी क्लोज्ड, ये 7 बजे, जो 7 तारीख है वो तब का है, 5 से लेके 7 तारीख तक का ही आपको डेट मिला हुआ है, 2 दिन का टाइम है, तो आप फटाफट फिल कर लीजिए। 8 तारीख को क्या होगा यहाँ पे, टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी आपके गाइडलाइन होंगे कैंडिडेट की, जो भी एलिजिबिलिटी होगी वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये 8 से लेके 9 तारीख तक का डेट यहाँ पे दिया गया है। याद रखिए, 5 से लेके 7 सितंबर तक, 5 सितंबर 2 7 सितंबर पार्ट वन पार्ट टू फीलिंग स्टार्ट है। अभी भी आप दे सकते हो वेबसाइट पे जाके, अगर फॉर्म आया है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। क्योंकि मैंने एक न्यूज़ देखा था और मैंने कंफर्म भी किया था और मैंने पता भी किया था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पार्ट वन पार्ट टू के फॉर्म फिल नहीं किए हुए, क्योंकि मुझे कमेंट आते रहते हैं, मुझे पता चलता है ऐसे 25,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पार्ट वन पार्ट टू फिल नहीं किया हुआ है। तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है पार्ट वन पार्ट टू का फॉर्म फिलअप करने के लिए। और रही बात सेकेंड राउंड, यानी जो रेगुलर राउंड है सेकेंड वाला, ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा आज, ठीक है, आज मतलब 4 सितंबर। 4 सितंबर के बाद से फिर आपको 5 से लेके 7 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो प्रेफरेंस, कॉलेज की प्रेफरेंस में आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको एलिजिबिलिटी राउंड दे दिया जाएगा 10 सितंबर 2020 10 AM, यानी कि सुबह आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे, राइट, 10 सितंबर 2020। फिर सुबह 11 बजे से लेके 12 तारीख 5 बजे तक
रेस्टोरेंट टू क्लिक प्रोसीड फॉर द एडमिशन। यहाँ पे अगर आपको सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉटमेंट किए जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो और प्रोसीड करने के बाद अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। आइदर आपको रिजेक्शन करना है या एडमिशन कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी करवा सकते हो। कैंसिल कैसे करवाए इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे कि हमें बहुत सारे कॉलेज में हमने प्रेफरेंस डाले हुए टोटल 10 कॉलेज में, लेकिन मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ सर? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो आप प्रेफरेंस फर्स्ट सेलेक्ट किए उसमें आपका नाम नहीं आया, सेकेंड जो सेलेक्ट किए उसमें नाम नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलेज में अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो, रिजेक्ट करवा सकते हो। लेकिन वो कैसे रिजेक्ट करवाना, कैसे कैंसिल करवाना ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसको भी समझ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका रिप्लाई ऑन द स्पॉट देने का पूरा कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन पॉइंट नंबर 6 देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 1 फीलिंग विल स्टार्ट न्यू एप्लीकेंट फॉर द नेक्स्ट राउंड। यानी कि जो सेकंड राउंड में जिन्होंने पार्ट 1 फॉर्म फिल नहीं किया, अभी भी फिल नहीं किया या आने वाले टाइम में फिल नहीं कर पा रहे, तो ये 12 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। 10 से लेकर 12 तारीख तक का एडमिशन चलेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 फील स्टार्ट होगा। लेकिन ये देखिए आपको 12 तारीख तक का वेट करना है, आप अभी फील कर दीजिए क्योंकि आप रेगुलर राउंड 3 के लिए वेट मत कीजिए, अभी आप फील करके रेगुलर राउंड 2 के लिए आप वेटिंग कीजिए, शायद उसमें आपका नाम आ जाए और आपका एडमिशन हो जाए। अगर आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना है तो आप चेंज करवा सकते हो। तो चलिए ये हो गया 10 से लेकर 12 तारीख के बीच में जो जो आप कर सकते हो। आते अभी 12 सितंबर 2020 8 PM यानी कि रात इवनिंग में, टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड स्टेटस ऑफ एडमिट स्टूडेंट ऑन द वेबसाइट। तो ये कॉलेज के लिए है, जो कॉलेज क्या करेंगे कि ऐसे बच्चों लोग का स्टेटस बनाएंगे जिनका एडमिटेड हो चुका है कॉलेज, ठीक है, या अलॉटमेंट हो गया है, कॉलेज ने लिंक भेजा था उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया हुआ है, आपने पेमेंट भी करवा लिया है, तो उस बच्चों लोग का नाम क्या होगा कॉलेज अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा। आते हैं अभी नेक्स्ट वन, रात के 10 बजे यानी कि 12 सितंबर 2020 में डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट फॉर द थर्ड रेगुलर राउंड, ठीक है, तो थर्ड रेगुलर राउंड की बात की गई है यहाँ पे। तो ये आपका थर्ड रेगुलर राउंड होगा, जो बच्चे राउंड 1 राउंड 2 में उनका नाम नहीं आया हुआ है और वो वेट करें थर्ड राउंड के लिए, तो आपको 12 सितंबर 2020 एट इवनिंग 10 PM आपको डिस्प्ले किया जाएगा और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एडमिशन लेने होंगे। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है, और जिन बच्चों के प्रेफरेंस के चॉइस के बेस पे कॉलेज नहीं आया हुआ है वो अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर से चेंज करवा सकते हैं अपने प्रेफरेंस को, और जिनको अलॉटमेंट हो चुका है और वो अपना कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते उस कॉलेज में, तो रिजेक्शन एडमिशन कैंसिल करवा के सेकेंड राउंड का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सेकेंड राउंड का लिस्ट भी आ जाएगा और आपको कॉलेज अलॉटमेंट भी कर दिए जाएंगे। तो आई होप ये आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, मैं इसका PDF आपको लिंक कर दूंगा, आप लिंक से ओपन PDF कर सकते हो, या तो जिस जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 11thadmission.org.in पे जाइए, वहाँ पे एडमिशन में जाइए और वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके समझ सकते हो। या आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको उसका रिसॉल्व या सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप जो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।